हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 14 में हम लोग देखते हैं आज ईएमएफ ऑफ ए सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि एक जो सेल है वो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था उसमें एक जिंक होता था, एक कॉपर जो होता था यहाँ पे होता था। जिंक जो है वो एक नेगेटिव पोटेंशियल जो है उसको अचीव करता था, और कॉपर हमारे पास में एक पॉजिटिव पोटेंशियल जो है उसको अचीव करता था। ठीक है, यहाँ से जिंक जो है वो एक रिएक्शन बनाता था, जेड एन टू नेगेटिव प्लस का जेड एन टू पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता था। तो वह जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में यहाँ से इस पाथ से जाते थे, और वो यहाँ से कॉपर से होते हुए इसके ऊपर आके जमा होते थे, और यहाँ पे जो है कॉपर के 2 पॉजिटिव के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिला के वे हाइड्रोजन के साथ में मिक्स होते थे, और वो बनाते थे H2 गैस, और H2 गैस जो हमारे पास में यहाँ से एमिट हो जाती थी। ये जो रिएक्शंस है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक चार्ज जो है वो इस पोजिशन से शुरू हुआ है, और वो चार्ज यहाँ से मूव होता हुआ वो चार्ज यहाँ से आया है। एक दूसरा चार्ज जो है वो फिर यहाँ से शुरू होगा, वो चार्ज यहाँ से मूव होके यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ से मूव होके यहाँ पे जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास में एक जो है कंप्लीट क्लोज सर्किट बनता है, एक कंप्लीट साइकिल हमारे पास में बनती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो हमारे पास में हायर पोटेंशियल है, और नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में लोअर पोटेंशियल है। तो एक चार्ज को जब नेगेटिव पोटेंशियल से लेके पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, दैट मीन्स चार्ज को लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, तो उस सिचुएशन में वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द चार्ज। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये हमें उस चार्ज के ऊपर करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें उस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक चार्ज जो यहाँ से मूव हुआ, और वो मूव होके यहाँ से ऐसा जाके वापस से इस पोजीशन के ऊपर आता है, तो इस चार्ज ने अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को यदि सेम रखा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस चार्ज ने एक साइकिल को कम्प्लीट किया है। तो उस साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए उस चार्ज के ऊपर हम लोगों ने टोटल कितना वर्क डन किया है वो कहलाता है हमारे पास में ईएमएफ, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे मैं ये कहूँ फॉर एग्जांपल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमारे पास में एक 10 केजी का वेट है, उस 10 केजी को वेट को उठाकर किसी दूसरी पोजीशन तक ले जाने में जो हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कहलाएगा हमारे पास में ईएमएफ, मतलब हमारी ताकत। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ बेसिकली एक काइंड ऑफ द फोर्स है जो किसी बैटरी के द्वारा अप्लाई किया जाता है। तो सीधे सीधे शब्द हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी बैटरी के द्वारा किया गया वो वर्क डन जिसकी वजह से कोई टास्क परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो डेफिनेशन हम लोग इसकी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग 1 यूनिट चार्ज थ्रू 1 कम्प्लीट साइकिल, मतलब एक चार्ज के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, ये जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ईएमएफ को, इसको हम लोग इस तरीके से एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे कैपिटल ई लिख देते हैं, तो कैपिटल ई जो है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट हम लोग बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वर्क डन किया है, वर्क डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है इट इज़ ए काइंड ऑफ द एनर्जी सोर्स। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट या फिर जूल पर ए कूलोम। ओके, ठीक है। दूसरा सेकेंड वन हमारे पास में आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इसके नाम से ही समझ में आता है, जैसे कि हमारे पास में एक सेल है, लेट मी से दैट मेरे पास में इस तरीके से ये एक सेल है,
जब आप लोग देखते हो तो ये सेल इस तरीके से रहती है, जैसे आप लोगों ने निपो या एवरीडे वगैरह सेल जो है देखी होगी, उसमें एक जो है यहाँ पे उठा हुआ पोर्शन रहता है और एक पोर्शन यहाँ पे नीचे धसा हुआ रहता है। तो उठे वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास में एक टर्मिनल कहलाता है, जिसको हम लोग बेसिकली पॉजिटिव बोल सकते हैं। और जो हमारे पास में डाउन वाली जो नीचे दबा हुआ पोर्शन हम लोगों को दिखता है, जो चौड़ा पोर्शन रहता है, वो हमारे पास में रहता है नेगेटिव टर्मिनल। तो एक जो सेल है उसके हमारे पास में दो टर्मिनल होंगे, एक हो जाएगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा हो जाएगा उसका हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इस सेल के दो टर्मिनल हम लोगों को लेने, तो इन दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम लोगों ने इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट किया, इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट किया, इन दोनों टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि ये समझिए, ये हमारे पास में एक सर्किट है, ये हमारे पास में एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव पोर्शन है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। हम लोग ये जानते हैं कि बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया है। इस पूरे इंटरनल रेजिस्टेंस और बैटरी को मिला के हम लोगों ने एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल, या दिस इज द कंप्लीट इंडिकेशन ऑफ द सेल, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल। सो इस सेल का एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। अब हमने क्या किया, इस दोनों टर्मिनल के ऊपर जो हमारे पास में पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, उस पोटेंशियल को हम लोगों ने मेजरमेंट किया। तो जो पोटेंशियल है वो कैसे काउंट किया जाएगा, तो बच्चों आंसर की जब पोटेंशियल काउंट करना पड़ेगा तो हमें इस सेल से यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लोड से होते हुए हमें इसके अंदर यहाँ से आना पड़ेगा। तो जब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल काउंट करेंगे उस सिचुएशन में हमें जो आउटर सर्किट जो सेल के साथ जुड़ा हुआ है उस आउटर सर्किट को भी उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोगों को एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा, ऑन दैट टाइम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल लोड विल ऑल्सो इंक्लूडेड, या द अदर पार्ट ऑफ द सर्किट विल ऑल्सो इंक्लूडेड ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो वॉट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन बाई यूनिट चार्ज वाइल मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल इन ए क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। ओके, नाउ अभी इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास में वोल्ट। अभी जो ईएमएफ हम लोगों ने देखा था, तो ईएमएफ था कि इन दोनों टर्मिनल पे या इस बैटरी के पास में कितनी ताकत है कि वो उस वन चार्ज को टोटल कितना वर्क डन करा सकता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि उस चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया हुआ है जिसकी वजह से इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम लोगों को समझनी है। ओके, तो अभी इन दोनों के बीच में हम लोगों को एक रिलेशनशिप देखना है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम हम लोगों ने समझा कि एक हमारे पास बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण इस बैटरी का कुछ ईएमएफ होगा, कुछ इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट मी से दैट हम लोगों ने एक सर्किट है उसमें एक्सटर्नल लोड जो है उसको कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी में आई नाम का करंट जो है बैटरी ने जो है आई नाम का करंट जो है इस सर्किट के अंदर फ्लो किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो I की वैल्यू निकालें तो I क्या आ जाएगा, V अपॉन R, और V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कराएगा, तो आंसर है बैटरी। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R, तो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैटरी। तो EMF ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू E, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में R प्लस का R। इससे जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये I का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सोल्व किया हम लोगों ने तो ये आ जाएगा हमारे पास में E इज इक्वल टू IR प्लस का IR सोल्व करने पे। अभी हम लोगों को
जो टर्मिनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने एक बच्चों एक चीज़ पढ़ी है कि टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सर्किट का आउटर पोर्शन जो है वो काम करता है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जितने भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट, जितने भी सर्किट के साथ कनेक्टेड है वो सब उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल निकालना हमको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जब इसको काउंट करेंगे तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में आई आर। ठीक है, ओके। इस वी इज इक्वल टू आई आर को हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन के अंदर फर्स्ट के अंदर पुट करें तो इस आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी, और वी की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वी आ जाएगा ई माइनस का आई आर। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, वी जो है वो हमारे पास में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई जो है हमारे पास में वो है ई एम एफ ऑफ द सेल, और उसमें से कुछ हमारे पास में घट रहा है। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी सेल का वो हमारे सेल के ईएमएफ से हमेशा कम होगा। क्योंकि बच्चों ईएमएफ क्या है, जैसे आपको कोई 10 केजी वेट उठाना है तो आपकी ताकत जो है वो ईएमएफ है, लेकिन उस 10 केजी वेट को उठा के आप किसी पॉइंट से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाते हो तो आपने कुछ तो एनर्जी कंज्यूम की ना, तो ए से बी पॉइंट तक आपकी एनर्जी का जो डिफरेंस कहलाएगा वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो आपने जब उठाया था किसी 10 केजी के वेट को, उस टाइम पे आपका ईएमएफ अलग था, आई मीन उस टाइम पे जो आपकी पावर थी ईएमएफ, जो ईएमएफ था वो मोर देन हो जाएगा किससे, जब आप उस 10 केजी के वेट को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जाते हो। ठीक है, तो ऑलवेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस रहेगा किससे, ईएमएफ ऑफ ए सेल से। ठीक है, नेक्स्ट वन। लेकिन समटाइम्स सिचुएशन ये है कि जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, कब, जब एक्सटर्नल सर्किट जो है कनेक्टेड ही नहीं होगा। दैट मीन्स यदि आपने कोई 10 केजी वेट उठाना है तो आपने उठाने की कोशिश कर रहे हो तो जब तक आपने नहीं उठाया तब तक आपका ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, उस सेल के लिए दोनों के लिए इक्वल रहेगा। तो जब सर्किट ओपन रहेगा तो सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उस कंडीशन में आई की वैल्यू जीरो आ जाएगी और वी किसके बराबर हो जाएगा, ई के इक्वल। मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब एक चीज़ जो छोटी सी कैलकुलेशन हमारे पास में, यहाँ से ई वी इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर, तो यहाँ से हम लोग जो आर है हमारे पास में वो हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यदि हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक बैटरी का कितना होगा, तो सिंपली उस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस का आई आर, आई आर इधर लेके गए तो आ जाएगा ई माइनस का वी, स्मॉल आर की वैल्यू निकाली हम लोगों ने तो ई माइनस का वी अपॉन आई, आई जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसको क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर, यहाँ से जो है आर ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दोनों के नीचे वी और वी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में ई बाई वी, और वी बाई वी मतलब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में माइनस का वन। ठीक है, इधर से बच जाएगा हमारे पास में माइनस का वन। तो ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। यदि हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का लोड पता है, यदि हमको ई एम एफ ऑफ ए सेल पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके बच्चों, कल के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स है उनको पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है, उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो सब चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल, जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा था उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल्स। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको समझिए, पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।